नमस्कार 5 मिनट स्टोरी। चलिए संतान सप्तमी की आज कहानी सुनते हैं। बहुत खास कहानी है, लंबी है, लेकिन आपको बहुत कुछ देने वाली है। संतान सप्तमी वाले दिन एक बेहद खास चीज़ करनी चाहिए और वो ये शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर किसी के यहाँ ये व्रत नहीं होता, लेकिन कथा सुनने से व्रत रखने के बराबर फल मिलता है। बहुत समय पहले एक गाँव था जहाँ पर एक राजा राज्य करता था और एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, और दोनों के यहाँ पर ही संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और ब्राह्मणी में और रानी में बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन वो दोनों घूमने गए तो उन्होंने नदी के किनारे औरतों को शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाते हुए पूजा करते हुए देखा और पूछा, ये तुम क्या करती हो? तो महिलाओं ने कहा, हम अपने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी व्रत रखेंगे, और दोनों ने संकल्प लेके व्रत रख लिया। लेकिन रानी राजमहल में रहने की वजह से कई बार उस व्रत को रखना भूल जाती, लेकिन ब्राह्मणी हर वर्ष उस व्रत को वैसे ही रखती। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी बनी, और जो रानी थी वो बंदरिया के रूप में रही। और उस जन्म में भी जो ब्राह्मणी थी उसको ये याद था कि वो संतान सप्तमी का व्रत रखती है, वो शंकर भगवान का हमेशा नाम लेती रहती। जबकि जो रानी थी, जो बंदरिया बनी, उसे कुछ भी याद नहीं था। उनका वो जीवन भी समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया। रानी ने रानी बनकर जन्म लिया, ब्राह्मणी ने ब्राह्मणी बनकर जन्म लिया, और उसके बाद ब्राह्मणी ने फिर से उस व्रत को रखा। उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद उसे 7 पुत्र हुए, या रानी का विवाह हुआ राजकुमार के साथ हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ जो बीमार रहता था, और वो भी 7 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और रानी बड़ी उदास रहने लगी, पीड़ा में रहने लगी। इन दोनों की मित्रता इस जन्म में भी थी, तो रानी के दुख को सुनकर अपने 7ों पुत्रों को लेकर ब्राह्मणी उसके घर पहुंची और उसे गले लगाकर दुख उसका जो है वो कम करने लगी। जब रानी ने उसके 7 पुत्रों को देखा, उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने उन्हें मार देने का निश्चय किया और उन्हें भोजन पर अगले दिन बुलाकर विष देकर मारने, पर विष से भी भोलेनाथ की कृपा से और संतान सप्तमी के व्रत से उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आई, उनके बच्चों पर। तब भी रानी को और गुस्सा आया, तो उसने अपने राज्य के सिपाहियों को कहकर उन बच्चों को यमुना नदी में डाल दिया, पर शिव और पार्वती ने उन्हें फिर भी बचा लिया। अब उसे शर्म आने लगी रानी को, और वो ब्राह्मणी के पास गई, बोली, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तपस्या की है कि तेरी संतान के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती? तब ब्राह्मणी ने उसे सारे जन्म याद दिलाए और बोला, तूने कभी व्रत रखा और कभी नहीं रखा। तो उसने माफ़ी मांगी शिव और पार्वती से और फिर व्रत रखा, और फिर वो भी 7 पुत्रों की माँ बनी। तो ये है आज के व्रत की कहानी, और गणपति महाराज आपके बच्चों को सद्बुद्धि दें, और आज बच्चों के नाम की चूड़ियाँ ज़रूर पहने, और संभव हो सके तो आज माँ को चूड़ी टच कराकर अपने हाथ में पहनी जाए, तो ये हुए और भी अच्छा होता है। आज अपनी संतान को अपने हाथ से कुछ मीठा भी खिलाएं। कमेंट्स में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।